Nice movie. You must come and watch. Excellent. After a long time, Govinda in action. Yes. 90s के गोविंदा कितने याद है आपको? आज ही दोपहर को उनके अरे यार वो बिल्कुल बूढ़ा लगता नहीं है, वैसा वैसे का वैसा ही है। एक एड भी आती है ना, कोई उसे इम्पर्सनेट कर रहे हैं, तो उससे भी याद आती है उनकी। गोविंदा जी आप वैसे लग रहे हो और हमारे वैसे ही स्टार हो, वी स्टिल लव यू एज यू आर। वरुण शर्मा ओके बट गोविंदा उसको खा गया, कच्चा खा गया। कोई सॉन्ग पसंद आया? अरे मालूम हो गया। आई लाइक द बिगिनिंग वन, दैट वाज नाइस। ओके आउट ऑफ 5 हाउ मेनी स्टार्स यू वुड लाइक फॉर गोविंदा? 5 आउट ऑफ 5 फॉर गोविंदा। यस 11 ऑन 10 इट डिपेंड्स। बहुत अच्छी है फिल्म, कौवा सॉन्ग बहुत सुपर्ब जा रहा है एंड बॉक्स ऑफिस पे भी बहुत अच्छा करने वाले हैं। बहुत अच्छा काम किया एंड गोविंदा के हम बहुत बड़े फैन हैं एंड उनके लिए स्पेशली आए उनके लिए मूवी देखने आए थे, टाइम बाद उनकी मूवी रिलीज हुई है और बहुत अच्छा। यस इसीलिए तो आए हम फिल्म देखने के लिए। करते थे जैसे उनका एक्टिंग है उसी भी आए हम लोग देखने के लिए। बहुत अच्छी है, फुल ऑन कॉमेडी है, फैमिली के साथ भी आप देख सकते हैं। जरूर फैमिली के साथ फिर देख सकते हैं। या श्योर डेफिनेटली। अच्छी मूवी है, सबसे ज्यादा क्या पसंद है? कॉमेडी अच्छी है गोविंदा। हाँ जी हाँ जी उनकी पहली फुल ऑन थी, फुल ऑन कॉमेडी करी है, जिस तरह से उन्होंने पब्लिक को बहुत हंसाया है, बहुत अच्छी कॉमेडी की है। सॉन्ग्स तो सुपर्ब है, ऑसम सॉन्ग्स है। 5 थैंक यू। बोटी मास्टर इट इज वेरी फनी एंड फुल एंजॉयड, फुल मजा आया फिल्म में और अच्छी फिल्म है। एक बार देखो तो दोबारा जाने का मन करेगा ऐसा फिल्म में। और गोविंदा जी की एक्टिंग एक नंबर एक्टिंग है, बहुत बढ़िया बढ़िया पिक्चर है एकदम। एंजॉय किया, देख सकते हैं और दोबारा भी आदमी को जाने का मन करे ऐसा फिल्म से। ओवरऑल कैसी लगी आप लोगों, क्या आप लोग फिर से देखना चाहेंगे? यही सॉन्ग बजने वाला है और सब बहुत ज्यादा डांस करने वाले, मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद आई है। काफी मौज है पिक्चर में, काफी कॉमेडीज है और काफी बढ़िया पिक्चर है। 5 में से 4 स्टार तो मिल जाएंगे। हाँ क्यों नहीं, मूड अच्छा हो गया ये मूवी देख के। बहुत अच्छी थी, हम लोग को बहुत मज़ेदार, बहुत बहुत मज़ा आया हम लोग को, बहुत कॉमेडी था, मज़ा आया हम लोग ऐसे सीट वीट पे देख के। इट वॉज रियली अमेजिंग। गोविंदा इज गोविंदा, यू कैन रिप्लेस गोविंदा विद एनी एक्टर। हिज डांस, हिज एक्टिंग, हिज कॉमेडी ऑसम। 90s के गोविंदा याद है आप लोगों को? हाँ हाँ याद है ना, एक नंबर। एंड वरुण शर्मा ऑल्सो चूचे फुकरे। अच्छा दोनों की केमिस्ट्री कैसी लगी, क्योंकि वरुण शर्मा की एक्टिंग भी बहुत अच्छी है, उनको इस समय का गोविंदा कहा जाता है और वो गोविंदा के साथ आ रहे हैं, बहुत अच्छी थी। मैं तो बोलूँ कि पिक्चर को तो रेट 5 out of 5 करना चाहिए और पिक्चर बहुत अच्छा था। वैसे हम लोग अभी देखे हैं, आप लोग भी जरूर देखना पिक्चर, बहुत मजेदार पिक्चर है, आप लोग जरूर देखना। बुक योर टिकट्स फॉर फ्राइडे, ऑन फ्राइडे। आउट ऑफ 5 हाउ मेनी स्टार्स? 5 out of 5 आउट ऑफ 5 थैंक यू। मुझे चूचे की बस इंतजार था और उसकी मूवी मिली, बहुत मजा आया हम लोग ने, बहुत इंजॉय किया। अंकित तिवारी का सॉन्ग वॉज ऑसम, बहुत मजा आया। आप लोग भी जाइए टिकट लीजिए और इंजॉय करिए, बहुत मजा आया, बहुत फनी फनी मूवी है, बहुत हमेशा की तरह इस बार भी उसी तरह थी। अंकित तिवारी का सॉन्ग बहुत मस्त था, जरूर जरूर मैं तो और बार देखना दिल बोल रहा है। बहुत थैंक यू। बहुत बहुत अमेजिंग है, बहुत ही कॉमेडी है। गोविंदा सर का तो मैं पहले से काफ़ी फैन रहा हूँ बट ये मूवी बहुत अमेजिंग, काफ़ी टाइम के बाद इनकी मूवी देखने मिली है और इसमें चूचा भी था फुकरे के टाइम से, उसका मैं फ़ैन रहा हूँ, बहुत अमेजिंग। गोविंदा एंड वरुण शर्मा, आई मीन जो जिसे आपने चूचा कहा, उन दोनों की केमिस्ट्री कैसी है?
सुपर्ब। आई मीन मैं गोविंदा सर का तो फैन था ही, बट इसका भी मैं काफ़ी टाइम से फैन रहा हूँ वरुण शर्मा का। बट ये मूवी देखने के बाद में आई एम एक्सपेक्टिंग कि मोर और आगे क्या देखने मिलेगा वरुण शर्मा और गोविंदा सर का फ्यूचर में। पहले के गोविंदा और आपके गोविंदा में कितना अंतर पाते हैं? फ़र्क कुछ नहीं है, गोविंदा तब भी गोविंदा किंग थे कॉमेडी के, आज भी किंग है, और बस फ़र्क इतना बड़ा है कि उनके कोस्टार्स बदल गए। उस टाइम पे कादर खान, शक्ति कपूर ये सारे लोग हुआ करते थे, आज नए स्टार्स हैं, तो वही मज़ा वही है। और मैं और मेरी फैमिली काफ़ी देखते थे उनको पहले से ही, आंटी नंबर वन, कुली नंबर वन, बहुत सारी मूवीज़ उनकी मैंने देखी हुई है, बहुत अमेजिंग। कोई गाना पसंद है आपको? हाँ, एक था कौवा पार्टी, बहुत ज़बरदस्त सॉन्ग था। लगता है कि शायद आगे वेडिंग्स में सुनने मिलने वाला है काफ़ी ज़्यादा, या लोग शायद डांस कर रहे हों उसी उसके ऊपर ही, जहाँ जहाँ पर आप जाओ तो बहुत पॉसिबिलिटी है। पाँच में से पाँच तो दे सकता हूँ, लेकिन 4.5 दूंगा, क्योंकि हमेशा स्कोप तो होना ही चाहिए।